सो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मैन कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को लाइट मैप के अंदर कुछ इस टाइप का ड्रामेटिक फोटो एडिटिंग करना आप लोगों को सिखाना बोलो। ओके, इस वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनने वाला, इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही ढेर सारा वीडियो देखने के लिए। और मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर एंड ऑल फोटो के अंदर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा ऐड फोटो का ऑप्शन, यानी कि इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके आप लोगों का फोटो यानी कि मॉडल को ऐड कर लेना है। सो हम लोग पहले से ये वाला मॉडल को ऐड करके रख दिया हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को मॉडल को ओपन कर लेना कुछ इस टाइप से। इस टाइप से मॉडल को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो को मैं ओपन कर लिया। ओके, सबसे पहले आप लोग को लाइट वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को इसका ब्लैक पे अंदर जाना है, ठीक है। यानी कि इसका ब्लैक को आप लोग को माइनस की तरफ रखना है, तो मैं पे इसका ब्लैक को रख दिया 45 और इसका हाईलाइट को भी आप लोग को माइनस कर लेना, ठीक है। तो मैं पे इसका हाईलाइट को 100 कर ले, आप लोग फोटो के हिसाब से देख लेना, ठीक है। एंड जाना आप लोग को व्हाइट पे, व्हाइट को भी आप लोग को माइनस की तरफ रख लेना है। ओके, एंड जाना आप लोग को कॉन्ट्रास्ट पे, कॉन्ट्रास्ट को आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो मैं पे 13 रख लिया। एंड आप लोग को जाना है इस वाला कलर टूल के अंदर। ओके, ये वाला कलर टूल के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे पहले इसका टेम को आप लोग को थोड़ा सा प्लस की तरफ रखना है, ठीक है। तो मैं पे इसका टेम को रख देता हूँ 16। ओके, एंड इसका वाइब्रेशन को भी मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। ओके, एंड आप लोग को जाना है मिक्स टूल के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर क्लिक कर लेता हूँ। मिक्स टूल के अंदर आने के बाद आप लोग को सबसे पहले ग्रीन कलर के अंदर क्लिक कर लेना है। ओके, एंड ग्रीन कलर का सैचुरेशन को -100 कर लेना है। येलो कलर का भी सैचुरेशन को आप लोग को -100 कर लेना है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो वाला फोटो के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक टाइप का इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। और भी ज़्यादा आप लोग को इफेक्ट डाल लेना है तो आप लोग को इसका लुमिलियंस को भी आप लोग को माइनस की तरफ रखना है, एंड ग्रीन कलर का भी आप लोग को लुमिलियंस को माइनस की तरफ रखना है। ओके, एंड आप लोग को जाना है ऑरेंज कलर के टूल के अंदर। ओके, ऑरेंज टूल का आप लोग को सैचुरेशन यानी कि सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस। ओके, एंड इसका ह्यू को आप लोग को थोड़ा सा प्लस की तरफ रखना है, एंड इसका लुमिलियंस को आप लोग को थोड़ा सा बढ़ाना है। ओके, एंड जाना है आप लोग को ब्लू कलर का अंदर, एंड ब्लू कलर का आप लोग सैचुरेशन को माइनस करके भी देख सकते हो कौन सा आप लोग रखने वाले हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इतना ही रख लेता हूँ, यानी कि थोड़ा सा प्लस टाइप का रख लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो डन पे क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद ये वाला फोटो के अंदर थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट डालना है, ठीक है, यानी कि ब्लू टोन वाला इफेक्ट। तो उसके लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना, ठीक है। इस वाला टूल के अंदर क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों के सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन खुल कर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को शैडो, ठीक है, मिड टोन। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा हाईलाइट एंड बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को शैडो टूल को सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसका आप लोग को ब्लू कलर का साइड पे रख लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं ब्लू कलर का तरफ रख दे लेता हूँ ये वाला इफेक्ट को। ओके, एंड जाना आप लोग को फिर से ये वाला टूल के अंदर यानी कि मिड टोन के अंदर। ओके, एंड इसको भी आप लोग को ब्लू कलर का टाइप रख लेना है इतना, ठीक है। एंड फिर से आप लोग ये वाला टूल के अंदर आना है, एंड इसको भी आप लोग को थोड़ा सा ब्लू कलर का तरफ रखना है, ठीक है। तो मैं आप इसको ब्लू कलर का तरफ ही रख लेता हूँ। ओके, इतना। ओके, एंड इसका लुमिलियंस को आप लोग चाहो तो बढ़ा भी सकते हो एंड कम भी कर सकते हो। ओके, एंड आप लोग को जाना है इस टूल के अंदर, एंड ग्लोबल टूल के अंदर आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा इस टाइप से टोन को डालना है, ठीक है। तो मैं आप इतना ही टोन रख लेता हूँ, तो मैं पे रखता हूँ इस साइड। ओके, सो फोटो के अंदर आप लोग इस टाइप का एक टोन डाल पाओगे, ठीक है। बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर आ चुका फोटो के अंदर। एंड आप लोग को डन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं वाला फोटो के अंदर एक ड्रामेटिक वाला टोन आ चुका है। अब आप लोग को ये वाला फोटो के अंदर थोड़ा सा विग्नेट वगैरह को ऐड कर लेना है, तो उसके लिए आप लोग को इफेक्ट टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, एंड इसका क्लियरिटी को आप लोग को हल्का सा बढ़ाना है, एंड इसका टेक्स्चर को भी आप लोग को हल्का सा बढ़ाना है, एंड इसका विग्नेट को आप लोग को माइनस की तरफ रखना है, ठीक है। तो मैं पे इसका विग्नेट को रहता हूँ -25। ओके, एंड जाना आप लोग को ये वाला टूल के अंदर, एंड इसका सर्फिनिंग को आप लोग को बढ़ाना है। ओके, एंड इसका नॉइज रिडक्शन को भी आप लोग को थोड़ा सा बनाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फोटो के अंदर एक अलग से टोन आ चुका है, ठीक है। अगर आप लोग को और भी ज़्यादा टोन अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, यानी कि एक प्रोफेशनल लुक देना है, तो आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा सिलेक्टिव वाला टूल, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड प्लस टूल के अंदर क्लिक करके ये वाला टूल को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड कुछ इस टाइप से एक राउंड टाइप का एक बना ले रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा इनवर्ट, इसको ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इनवर्ट कर लिया, ठीक है। अब आप लोग को जाना है ये वाला टूल के अंदर, एंड ये वाला टूल का आप लोग को
एक्सपोजर को माइनस की तरफ रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोजर के इतना ही रख लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ डन पे क्लिक। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो वाला फोटो के अंदर एक ड्रामेटिक लुक आ चुका है एंड फोटो अमेजिंग सा भी बन चुका है। ठीक है, सो इस टाइप से एक ड्रामेटिक वाला लुक दे पाओगे फोटो के अंदर एंड कुछ इस टाइप का आप लोग कलर मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप लोग नॉर्मली ये वाला फोटो को एडिटिंग करने वाले हो यानी कि एक ही क्लिक के अंदर एडिटिंग करना चाहते हो तो इसका मैं एक प्रीसेट दे दूंगा। ठीक है, वाला प्रीसेट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वाला प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना एंड एक क्लिक के अंदर आप लोग कॉपी एंड पेस्ट करके इस टाइप का कलर टोन वाला फोटो एडिटिंग कर पाओगे लाइट मैप के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट, फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा शेयर टूल, इसको ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सेव टू डिवाइस। ओके, इसको ऊपर क्लिक करके आप लोग फोटो को सेव कर लेना गैलरी के अंदर। ठीक है, सो गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता देना एंड गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।